हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस कार्ड लोगों को प्रोवाइड हो रहा है उसको कैसे लोगों को मिलेगा और क्या उसका टर्म कंडीशन है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरे देखना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर मुझे आपको देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको बताते हैं कि व्यूअर के कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या उनके डाउट है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर जिसको एक्सिस क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसको या तो वो जाके नियर बाय एक्सिस बैंक में जाके कांटेक्ट कर सकता है, या जिनका सैलरी 25,000-30,000 है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेसमैन है, वो भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसमें जो लिमिट है वो सिविल स्कोर के पे डिपेंड करके उसको लिमिट दिया जाएगा। अगर उसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसका रिपेमेंट पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको तुरंत अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन सामने वाले के ऊपर लोन या कोई सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बैंक से कांटेक्ट करता है तो उसको सारी हेल्प हो जाएगी। और बता दो दोस्तों कि अगर उसका सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक में तो उसको लेने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या क्वेश्चन है। मैंने अप्लाई तो कर दिया है, मैं कमीशन पे काम करता हूँ और मैंने वहाँ डाल दिया है 15,000 से 50,000 का डाल दिया, और मैंने स्टिचिंग यानी टेलर का वर्क करता हूँ, मेरा सिविल स्कोर 750 है। तो दोस्तों, इन्होंने बोल रहा है कि मैं टेलर का वर्क करता हूँ और मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो क्या मुझे मिलेगा। तो दोस्तों, बता दूँ कि ये टेलर का काम करते हैं। तो ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट से अगर आप मतलब जिसकी सैलरी बैंक में अकाउंट में आती है, सैलरी स्लिप मिलती है उनको, वो लीगल होता है। लेकिन आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं होता है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। देना न देना एक्सिस बैंक के ऊपर है। उसके क्वेश्चन को पिक करते हैं हम लोग। लिखा है बेकार है, अमेज़ॉन का बढ़िया है। ये बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का बेकार है और अमेज़ॉन का बढ़िया है। तो दोस्तों, सबके यूज़ के ऊपर है, कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेकार है। सब अपने ये रहता है, क्या होता है कि दोस्तों अपने लोगों को हिडन चार्जेस पता नहीं रहते, इसके कारण कभी उनको तकलीफ होती है। और कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों को इंटरेस्ट चार्ज लग जाता है, लेट फी पेमेंट लग जाता है। क्रेडिट कार्ड में अक्सर लेट फी पेमेंट ज़्यादा होता है, ब्याज ज़्यादा होता है, तो बहुत लोगों नहीं भरते हैं तो उनको लग जाता है चार्जेस। लिखा है बेटर इफ़ विजिट एनी ब्रांच गेट डिटेल्स फ्रॉम ऑथोराइज बैंक स्टाफ। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल बैंक स्टाफ से लें तो बेहतर है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमसे ज़्यादा उनको पता है, लेकिन कभी भी दोस्तों वो क्या सेल्स के बंदे होते हैं, तो सेल्स के बंदे को आप अच्छी तरह पूरी डाउट क्लियर कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह आपको बता सकते हैं। और बता रहे हैं कि ब्रो आई हैव अ स्मॉल डेबिट ईयर सिर्फ परचेस के लिए ना, और कुछ शॉपिंग मॉल में शॉप कर सकते हैं। दोस्तों ये बोल रहे हैं क्या सिर्फ फ्लिपकार्ट क्या ऑनलाइन से शॉपिंग कर सकते हैं, क्या हम लोग बाहर मॉल से भी कर सकते हैं। दोस्तों बेशक आप मॉल से यूज़ करो कि कोई अदर शॉप से छोटे मोटे जहाँ पे स्वाइप का सिस्टम चलता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेटर उसके बाद दोस्तों इन्होंने पूछा है क्रेडिट कार्ड जो बन रहा है एक्सिस बैंक का, उसमें एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट होगा क्या, सब अकाउंट होगा क्या बैंक का उसमें एक्सिस बैंक का अकाउंट। तो ये बोल रहे हैं कि क्या जो क्रेडिट कार्ड जो बन रहा है क्या उसमें सेविंग अकाउंट भी बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा, आपका सेविंग अकाउंट नहीं ओपन हो जाएगा उसमें। तो ध्यान रखिए, सेविंग अकाउंट नहीं हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि सिविल स्कोर होता है, सिविल इम्प्रूव योर नॉलेज फर्स्ट। इनको मतलब देखो, सिविल अलग होता है, सिविल अलग होता है। तो ये वही बोल रहे हैं कि सिविल एक डिफरेंट है, सिविल डिफरेंट है। तो आप कभी कभी लोग सिविल को सिविल बोलते हैं, तो सिविल है सिविल स्कोर, और सिविल बोले तो बिल्डिंग वाली लाइन है, वो सिविल अलग है और ये सिविल है सिविल स्कोर। उसके बाद इच ऐसे अच्छा तो अमेजोन ICICI कार्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि उसमें एक्सिस बैंक का कार्ड में चार्जेस है और नहीं,
अमेज़ॉन के इसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन एक्सिस में चार्जेस है। दोस्तों किसी हर हर क्रेडिट कार्ड में अलग अलग चार्जेस होते हैं अपने अपने। तो दोस्तों हर बैंक का अपना अपना एक रूल रहता है, जिसको किसी में एनुअल चार्ज लगता है, कार्ड फी लगता है स्टार्टिंग में। तो टर्म कंडीशन कहीं पे देख के अच्छे से समझ के ही ले, अगर नहीं लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो फोन नॉट रिसीव, गो फॉर अमेज़ॉन पे ICICI कार्ड, ये बोल रहे हैं कि अमेज़ॉन का ICICI कार्ड लो, फ्लिपकार्ट का मत लो। तो दोस्तों आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका हमेशा कभी किसी की इन्फॉर्मेशन टर्म कंडीशन को अप्लाई करके पढ़ के ही आपको कुछ लेना चाहिए। उसके बाद है भाई, जो लोग नौकरी करते हैं और महीने में 20,000 से ऊपर कमाते हैं, उनका भी बनता है। इसके लिए आपको सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो जिसका 25,000 20,000 है, तो उनको सैलरी स्लिप मिलती है, तो उनको आसानी से मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन बट उनको सैलरी स्लिप होनी चाहिए, और कम से कम 6 महीने तक की सैलरी अप टू डाउन हो जाए। नहीं तो 3 महीने की सैलरी दिखाओगे तो नहीं मिलती, कम से कम 6 महीने तक आनी चाहिए प्रॉपर सैलरी, ठीक है। और सिविल स्कोर उसका अच्छा होना चाहिए। 500 बचाने के लिए 2 लाख खर्चा करना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर आपकी एनुअल फी जो होती है वो 500 रुपये होती है, ठीक है, सालाना चार्ज 500 रुपये होती है। लेकिन कोई कोई बैंक बोलता है कि 50,000 सालाना आप यूज़ कर लो, तो आपकी ये 500 रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे, या 1 लाख 2 लाख जैसा टर्म कंडीशन रहेगा। तो ये वो भी बोले कि 500 रुपये बचाने के लिए 2 लाख रुपये तक खर्चा करना पड़ता है। तो सही बात है। और ये बोल रहे हैं कि ब्रो, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई डोंट हैव अ सैलरीड, कैन आई अप्लाई दिस? तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो मत ही अप्लाई करो, क्योंकि आपको अप्लाई करके कुछ मिलना नहीं है, आपको अप्रूवल नहीं आएगा। क्योंकि ना तो आप कमाते हो, ना आप बिजनेस करते हो, और ना ही आप ये इस कभी यूटिलाइज कर लोगे तो भरोगे कैसे? क्योंकि दोस्तों इसीलिए एक्सिस बैंक या कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला किसी ऐसे बंदे को नहीं देता क्रेडिट कार्ड, के जो कमाता ही नहीं है, इसीलिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं ना। ब्रो आई हैव अ स्मॉल डेबिट, ये सिर्फ परचेस के लिए है ना, कुछ शॉपिंग मॉल के लिए, ठीक है। ये पिछले आंसर क्वेश्चन में बताया था मैंने। भाई मेरा आईडी प्रूफ तो सिर्फ 2 है, आधार और वोटर और SBI और बैंक अकाउंट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि आधार बैंक आधार और इनके पास आधार और वोटर आईडी है, तो आधार क्या आधार और वोटर आईडी से ही चल जाएगा काम क्या? तो नहीं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको आधार कार्ड जरूरी जरूरी है, और पैन कार्ड जरूरी, वोटर आईडी नहीं लगता, ठीक है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ मैं ये कार्ड अपने दोस्तों के लिए प्रोडक्ट बुक करने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे ये जानना है कि हमें भी सब में डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि मैं भी परचेस कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड भी परचेस करेंगे, तो क्या मुझे सब में डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा क्या? तो दोस्तों बता दूँ कि डिस्काउंट और कैशबैक और रिवॉर्ड ये सब फिक्स होते हैं, मतलब कि आप मंथली इतना ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। नहीं तो आप परचेस मारते रहोगे उसके चक्कर में, और एक भी कैशबैक आएगा नहीं, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो हर चीज़ डिसाइड है कि एक पर्सन को कितना देना है। उसके बाद है ब्रदर, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करके 1 महीने में 30,000 कर लेता हूँ, तो मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बट मेरे पास अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, वो कहाँ से लाऊँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा लेता हूँ, 1 महीने में 3,000 कमा लेता हूँ। तो ये इतना 3,000 कमा लेते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखिए, आपको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको 3,000 रुपये ऐसे ट्रेडिंग करके नहीं लाने, आपको पक्का रिसीद, जो पक्का सैलरी स्लिप होता है वो होना चाहिए। छोटी मोटी ऐसा कोई भी लेके आता है तो कमीशन बेस पे, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। उसके बाद दोस्तों आई हैव नो मंथली इनकम, कैन आई अप्लाई? दोस्तों अगर आपके पास मंथली स्लिप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। भाई मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है, कार्ड बना सकता हूँ कि? तो दोस्तों आप अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप भी बना सकते हो, लेकिन जो टर्म कंडीशन बताया है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं ये कार्ड अपने दोस्तों के लिए
दोस्तों के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए करना चाहता हूँ तो दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन आपका रिवॉर्ड पॉइंट और ये सब फिक्स रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्या मुझे ISS क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट अमेज़ॉन में यूज़ करने पर मिल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अमेज़ॉन से कुछ बाय करता हूँ तो पेमेंट फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से करूँ? तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस का बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया और मैं अमेज़ॉन के थ्रू परचेस कर रहा हूँ, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म है उस पर अदर क्रेडिट कार्ड के लिए भी ऑफ़र रहते हैं, एक्सिस बैंक के लिए, HDFC के लिए। तो अगर उस पर ऑफ़र अवेलेबल रहा, कैश अवेलेबल रहा, तो आपको ज़रूर मिलेगा ना, बेशक, क्योंकि दोस्तों वो भी एक क्रेडिट कार्ड है, वो बैंक प्रोवाइड करता है ऑफ़र। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, तो मंथली सैलरी आपकी कम से कम 25,000 से 30,000 के बीच में होना चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। मीनिंग दैट इट इज़ अकाउंट विल आल्सो ओपन इन एक्सिस बैंक। तो ये बोल रहे हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड के लिए क्या अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर क्रेडिट कार्ड ओपन कर लेते हो तो मतलब क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अकाउंट ओपन करना तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एक्सिस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। लिखा है मेरी सैलरी 12,500 रुपये है, क्या मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बना सकता हूँ? ये बोल रहे हैं कि तो दोस्तों इनका कहना है कि इनका 12,500 सैलरी है और इनको क्या मिल सकता है? क्या दोस्तों नहीं मिल सकता है, 12,500 मंथली सैलरी को नहीं अप्रूव देते हैं, लेकिन अगर कार्ड टू कार्ड ऑफर रहेगा तो आप एक बार कस्टमर केयर से फ़ोन करके पूछ सकते हो कि आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेशक देखिए, आपके सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो मिल सकता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो जितना भी लीड मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सिस बैंक को, तो वही सब देना ना देना उनके हाथ में है। ऐसा नहीं कि सब फ्लिपकार्ट के हाथ में, सारा कुछ देना जो है एक्सिस बैंक के हाथ में है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कुछ भी डाउट रहा और बाकी के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं व्यूवर के, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और आंसर देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।